इम्पार्शियल, आई विल गो विद इंडिया। इंडिया का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था, उन्होंने कर्टेसी शो की अपने इस एड में जो कि बहुत अच्छी थी। नहीं था, लेकिन आपने इंडिया का देखा कितना कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव। जो बच्चे होते हैं वो चाहे दुश्मन की हो चाहे आपके अपने हो, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, ठीक है, और उनको उनके साथ पॉलिटिक्स के नहीं खिलवानी चाहिए। मेरे ख्याल में इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि बाकी जैसे लोग समझ रहे हैं कि दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे, फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। वी बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस है। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कुछ दिन पहले जो है ना पाकिस्तान ने एक एड बनाई थी कि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान, इस तरह की एक छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक पाकिस्तान ने एड बनाई थी, और वो एड जो है ना आप लोगों ने देखी होगी। उस एड के ऊपर जो है ना एक पाकिस्तानी एंकर ने जो है ना उन पाकिस्तानी लोगों की अपनी राय पूछी है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस एड के ऊपर जो है ना पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे, और मैं अबू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे, फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस है। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते, और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे, ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान की तरफ से हिंद बनेगा पाकिस्तान वाली तो ऐड देखी है, तो क्या फीडबैक है? देखिए, जिस तरह से वो अगर एक कॉमन इंसान जिस तरह से उसे परसीव करेगा, जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी पॉजिटिव नहीं है। पाकिस्तान एज अ न्यूट्रल, एज अ बीइंग न्यूट्रल, मैं पाकिस्तान की साइड नहीं ले रहा, ठीक है ना, क्योंकि वो बच्चों से उस तरह की बातें कहलवाना आई डोंट थिंक इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी। ये बेहतर नहीं है कि बच्चों को आप प्यार का, अमन का पैगाम दें, आप प्यार का पैगाम दें। मैं समझता हूं कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये दरअसल पाकिस्तान का मुस्तकबिल यही हैं, और इनके माइंड में नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए हमें, बजाय इसके कि हमें उनके जहन में डालें कि ये फलां हमारा दुश्मन है, ये दुश्मन है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को इस बात का सिखाएं कि दुश्मन के साथ हमें किस तरह निमटना चाहिए प्यार के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दिस एड इज स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। ओके, एज और रिलीजन, हमारे रिलीजन में भी है कि किसी के रिलीजन को हम बुरा नहीं कह सकते, किसी की जबान को हम बुरा नहीं कह सकते। वी शुड रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज, देयर धर्म, जो भी उनका, अगर हिंदू मत है जो भी, हम उनको बुरा नहीं कह सकते। कैस वी से हम उनके गाय के कबाब खाएंगे दिल्ली गेट पे तो हम ये बात नहीं कर सकते। उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सैक्रेड है तो हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। जैसे हमारे लिए मस्जिदें हैं, ये उनका रिलीजन है, हम इस बात पे मजाक नहीं उड़ा सकते। और दिस एड शुड भी, मतलब इसको पॉजिटिव होना चाहिए था, जिस तरह इंडिया ने पॉजिटिव वाइब्स दिए, हमारे रिलीजन से पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना कि नेगेटिव। बारे में फीडबैक ये है कि इस तरह की स्टेटमेंट जो हमारी पाकिस्तान की से स्टेटमेंट दी गई है, ये ना कि पूरे पाकिस्तान लेवल पे दी गई है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई एक ग्रोह
जो कि इस तरह की चीज़ें चाहते हैं या फिर इंतजार चाहते हैं। मेरे ख्याल में इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि बाकी जैसे लोग समझ रहे हैं कि इसका मतलब है कि इसे नेगेटिविटी फैलाई जा रही है पाकिस्तान के मुतालिक, लेकिन ये एक छोटी सी कम्युनिटी ने मिलकर ये वीडियो जो बनाई है इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है नेगेटिविटी फैला रही है ये, और ये जिस तरह उन्होंने बच्चों के ज़रिए इसको कन्वे किया गया है ये मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं, बहुत से ऐसे काम किए हैं कि जिससे पॉजिटिविटी फैली है, तो हम एक ये छोटी सी वीडियो से नहीं कह सकते कि इससे पाकिस्तान मतलब एक छोटी सी वीडियो से पाकिस्तान की पूरे इमेज को ना जज नहीं। मैडम जी, एक छोटी सी कम्युनिटी ने मिलकर ये एड बनाई है, क्या कह रहे हो मैडम जी आप? ये जो नन्हे नन्हे बच्चे जो है ना, ये आपके देश का भविष्य है, और मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के जो गलत नेगेटिव जो विचार है ना, इन नन्हे नन्हे बच्चों के जहन में किस तरह से आप लोग डाल सकते हो, और ये जो छोटी सी कम्युनिटी ने मिलकर इस तरह की वीडियो बनाया, ऐसा आप इतना झूठ जो है ना आप कैमरे के सामने आके बोल रहे हो, आप लोगों को ये इस तरह से झूठ बोलने से जो है ना आप लोगों का ये सच जो है ना कभी नहीं छुप सकता है। फिर तो देख लिए हम लोगों ने, अगर हम देख ले पाकिस्तान को और इंडिया को, तो वो बहुत फॉरवर्ड जा रहे हैं, एज कम्पेयर टू देम हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हम जस्ट बातों तक रह गए और वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं सब चीज़ें, मतलब उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर उन्होंने जो अमेंडमेंट्स की है, उन्होंने जो काम किया है उनके, मतलब जो मार्स तक वो गए, लेकिन हम क्या है, हम सिर्फ बातों की हद तक रह गए। जो बच्चे होते हैं वो चाहे दुश्मन के हों चाहे आपके अपने हों, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, ठीक है, और उनको उनके साथ पॉलिटिक्स के नहीं खिलवानी चाहिए, मतलब उनके जरिए ऐसा मैसेज कन्वे नहीं करना चाहिए, ठीक। अगर हम ऐसे नेगेटिव कमर्शियल वगैरह बनाएंगे तो ये हम अपने इमेज को खुद ख़राब कर रहे हैं मज़ीद, तो बेहतर है कि नेगेटिव इमेज फैलाने से हम अपने मुल्क का अच्छा चेहरा दिखाएँ, मुल्क की अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें और अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें, इसी के ज़रिए इसी तरह हमारे खित्ते में अमन कायम होगा और खुशहाली आएगी। हमने जितना इस वीडियो को देखा, जैसे कि मैनाइल ने कहा, ये नेगेटिविटी स्प्रेड करती है, बिल्कुल करती है। इसके अलावा अगर हम अपनी कंट्री की एजुकेशन पे अगर हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो वो हमारी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा काम आएगा, ना कि ये वीडियोस बना। यही लगता है कि बच्चों के ज़रिए जो है ना कोई भी ऐसी मतलब नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, बच्चे तो होते ही मतलब छोटे हैं, मतलब उनको जो चीज़ सिखाई जाए वो उसी पे चल पड़ते हैं। दारपुर का ये कॉरिडोर ओपन हुआ है, जो जितने भी वहाँ से सिख हमारे दोस्त भाई आए हैं उन्होंने यहाँ पे आके रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान एक बिल्कुल डिफरेंट नेशन है, जो हमारी प्रेडिक्शन थी बिल्कुल उसी तरह नहीं है। तो ये किसी ने पब्लिसिटी स्टंट लगाने के लिए, उन्होंने ये भी देखा होगा कि इस एड के रिप्लाई में इंडिया वालों ने भी एक एड बनाई है, तो उसके मुतालिक आपका क्या फीडबैक है? अच्छा फीडबैक है उन्होंने, अच्छा कि आप यहाँ आएँ तो हम आप सबकी मेहमान नवाजी करेंगे, हम आपको खाना खिलाएंगे, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा, ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, वी मतलब हम सब एक जैसे नहीं हैं, वी आर नॉट लाइक दिस वीडियो, हम सब अलग हैं, अगर वो हमारी तरफ आते हैं तो हम भी उनकी ऐसे ही मेहमान नवाजी मतलब करेंगे। एक ऐड से पूरे पाकिस्तान को जज नहीं किया जा, बिल्कुल जज नहीं किया जा सकता। इंडिया का फीडबैक आप देखिए, वहाँ पर उन्होंने ह्यूमैनिटी दिखाई है, उन्होंने दिखाया है कि बेहतर तरीका क्या होता है, बच्चों से क्या सिखाना है लोगों को, या नेशनल टीवी पर क्या दिखाना है, उन्होंने हार्मनी दिखाई है, उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया कि हम तो भगवान, मतलब वो जो मेहमान को भगवान का रूप समझते हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह से मतलब पेश की हैं कि हम लोग सर झुकाने के मतलब उसमें आ गए, कंडीशन में आ गए। उसकी वजह यही है ना कि हम जो चीज़ दिखा रहे थे वो शायद अच्छा नहीं गया। बच्चों से उन्होंने एक ऐड बनवाई है, वो बहुत अच्छी है, लोगों की पावर्टी को कम करने के लिए, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए उन्होंने किया, लोगों को के हेल्थी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया, और लोगों को दोनों मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, अपने इनको इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे बेहतर करेंगे तो तभी ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं मेरे ख्याल में आगे ग्रो कर सकते हैं। और ये इस तरह की वीडियोज़ या इस तरह के काम करके ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह करेंगे तो मज़ीद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलेगी और हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकेंगे, हमारे फॉरेन जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ इंडिया वालों ने जो बनाई है वो बहुत ज़बरदस्त है, और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने बच्चों को जिस तरह ट्रेन किया वो कोई नेगेटिव नहीं दे रहे थे, उनका बिल्कुल पॉजिटिव फीड था, बहुत अच्छा लगा वो देखकर। अच्छा यही है कि मतलब बच्चों के जरिए कोई भी नेगेटिविटी ना फैलाई जाए, आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करो, हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, हम रीजनल कनेक्टिविटी बेशक बहाल कर सकते हैं कि भाई इस एशिया को या इस खित्ते को हम पुरअमन बना सकते हैं,
इस तरह की एड्स की बजाय हमें इस पूरे खिते के अमन पे काम करना चाहिए। का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था, उन्होंने कर्टेसी शो की अपने इस एड में जो कि बहुत अच्छी थी। नहीं था। लेकिन आपने इंडिया का देखा कितना कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव और क्रिएटिविटी की हद थी कि मतलब एक चीज को बिल्कुल ऑपोजिट कर एक ऑपोजिट मोड में ऑपोजिट तरीकेकार से प्रेजेंट करना और इतने अच्छे से बताना। उसके बारे में भी यही कहूंगी कि बच्चों से कम पॉलिटिक्स ना खिलवाएं। ठीक है। एड से पूरे पाकिस्तानियों को जज नहीं कर सकते, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप एक एड से पूरे पाकिस्तान को जज नहीं कर सकते। ये वो लोगों की मेंटेलिटी है जो शायद वार को पसंद करते हैं, लेकिन एज बीइंग अ मुस्लिम, एज बीइंग अ पाकिस्तानी, आई लाइक पीस। तो मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं कभी ऐसा ऐड की, अगर अल्लाह पाक मुझे सेंसर बोर्ड में बिठाए तो मैं कभी उस ऐड को पास ही ना करता। कैसी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। दोस्तों ये सोच है पाकिस्तानी लोगों की जो नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर ना किस तरह की वीडियो ये लोग बना रहे, जो लोग इस तरह की वीडियो बनाने में थोड़ी सी भी जो है ना इन लोगों को जो है ना शर्म नहीं आती है, यही इमेज है जो ये जो है ना पाकिस्तानी लोग है ना इन लोगों का जो है ना यही इमेज है जो इस वीडियो को बना के इन लोगों ने दुनिया के सामने दिखा दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में एक भाई साहब ने कहा कि इंडिया फॉरवर्ड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, इंडिया तो आगे बढ़ेगा ही दोस्तों, क्योंकि जो है ना हमारे यहाँ के लोगों को जो है ना इरादे नेक है और हमारे यहाँ पे जो है ना सच्चाई के साथ चलने वाले लोग है, इसलिए जो है ना हम लोग जो है ना आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और आप लोगों की सोच देख लिए किस तरह के आपने जो है ना नन्हे नन्हे बच्चों को लेके जो है ना ये एड बना दिए, इस तरह के अगर आप सोच रखोगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।